नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल दिया डेयरी फार्म पर एक बार फिर से सभी भाइयों का स्वागत है। जो भी भाई वीडियो पहली बार देख रहे हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। भाई आज ये अपने बहादुरगढ़ सिविल हॉस्पिटल में भैंसों की मिल्किंग कराई जा रही है, उसकी वीडियो आपको दिखाएंगे कि भाई कैसी भैंसे इनाम में यहाँ लगाई जाती हैं, किस तरह गवर्नमेंट भाई पशुपालन को बढ़ावा देती है। काफ़ी अच्छी अच्छी भैंसे हॉस्पिटल के अंदर आई हुई हैं, काफ़ी शानदार भैंसे हैं, वो आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। भाई ये जो सामने आप भैंस देख रहे हो भाई, ये आप अब ये फाइनल के लिए आई हुई है मिल्किंग के लिए। 3 टाइम खाली हो चुकी है और लगभग 23 किलो के अंदाज में इसका दूध है भाई। 100-200 ग्राम नीचे भी हो जाए और ऊपर भी हो सकता है। 23 किलो दूध इसमें है, 3 टाइम की मिल्किंग के हिसाब से जो हमने कैलकुलेट किया है। और अभी इसका लास्ट टाइम है, ये अभी खाली होने वाली है और बहुत ही काफ़ी अच्छे ऑर्डर किए भाई। और एक ये भाई अपने अमित भाई की भैंस है, इसमें भाई लगभग 20 किलो दूध है। अभी फाइनल के लिए ये हॉस्पिटल आई हुई है, आज लास्ट मिल्किंग है भाई इनकी। 20 किलो दूध इसमें अभी है भाई, काफ़ी अच्छी भैंसें आई हुई है। और भाई इन्हीं भैंसों का सीमन बाद में गवर्नमेंट हमें सप्लाई करती है। अच्छी भैंसें नाम में लगानी चाहिए, अच्छी भैंसों का दूध तुलवाना चाहिए। एक ये जोटी है भाई, दूसरे भैंस की जो 3 नंबर लिखा हुआ है, बहुत ही जो सिलेंडर की जोटी है भाई, नीचे कचड़ी है और अच्छी हाइट लेंथ की। और देख ये आप देखो, ऑर्डर क्वालिटी तो बहुत ही शानदार, नीचे से बहुत ही शानदार और जो सिलेंडर की जोटी है भाई। भाई इसका 19.5 किलो दूध, 19 किलो 400 ग्राम दूध इसका अभी तक का कैलकुलेट हुआ है। और आप देखते हैं फाइनल में ये कितना क्रॉस कर पाएगी, 20 क्रॉस करेगी या अंदर रहेगी, जो भी होगा आपके सामने होगा। लेकिन जितने भी भैंसे हॉस्पिटल के अंदर आई हुई हैं, सभी बहुत अच्छी भैंसे हैं। 5 भैंस यहाँ आई हैं मिल्किंग के लिए, सभी अच्छी भैंसे हैं, कोई भी 18 से नीचे की कोई भैंस नहीं है। और सभी शानदार प्योर जिसे नस्ल बोलते हैं दूध वाली, सभी वही हैं भाई। और एक भैंस आपको अभी और दिखा रहा हूँ, वो ये भाई अपने जोगिंदर भाई की भैंस है, ये भी 20 किलो से ऊपर अभी चली हुई है, इसकी लास्ट मिल्किंग है भाई।